हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 138 ब्लॉक 4। जो पहले वाली मेरी वीडियोस थी ब्लॉक 1 की, ब्लॉक 2 की, तो उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, आपने मुझे ये बताया है। तो गाइस, ये जो पहली बात की जो ये बुक है, ये बहुत लेंथी है, तो इसमें ऑब्वियसली जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट बात ये है कि अब हम क्या है, ग्रेजुएशन के पेपर दे रहे हैं, अब हम कोई स्कूल के एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा सिलेबस वो 5 to 6 चैप्टर्स नहीं है, अब हमें पूरी एक बुक पढ़नी पड़ती है, और पूरी एक बुक में से जो मेन टॉपिक्स हैं वो ज़रूरी है, अब हम मेन टॉपिक्स छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको सारा मैं बताऊँ, मेन टॉपिक मैं नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं छोड़ूँ और बाई चांस वो एग्ज़ाम में आ जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको मोस्टली सारे टॉपिक्स बता देती हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लॉक 4, प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल्स। गाइज, इसमें सबसे पहले तो ब्लॉक 4 जो होता है उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, और वो भी 5 to 10 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के नहीं आते। और आपको ये कैसे रीड करने हैं, ये वाले और ये वाले, तो बस आपको रीड करने हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आपको सिर्फ गो थ्रू करने हैं, आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो इसमें लिखा हुआ है इसको पढ़ें और अपने चेक योर प्रोग्रेस की टिक टिक वाले क्वेश्चन हैं। हमारा जो टाइम लगेगा वो यूनिट 3 और 4 में लगेगा, इसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें क्वेश्चन हमारे 5 to 10 मार्क्स तक के आ सकते हैं, 7.5, 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको पढ़ के ही जाइए। इस दोनों में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बोल सकता है कि एक डिबेट लिखिए, या आपको बोल सकता है कि जैसे इसमें बताया कि कैसे उसमें एक थीम को हम बनाते हैं वो पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या हमें ज़रूरी पढ़ना है। तो यूनिट 1 है हमारे पास प्रोनाउंसिंग करेक्टली 1 साउंड्स ऑफ इंग्लिश। इसमें हमें नॉर्मली क्या बताया होगा कि हम किस वर्ड को कैसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको बोल सकते हैं, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन है, देन हमारे पास इसमें सबसे पहले इंग्लिश लेटर्स एंड साउंड्स, इसमें आपको बता रखा है कि किस चीज़ की कैसी साउंड होती है, जैसे कि बी की साउंड होती है बी, ये सब आप पढ़ लेंगे, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये मैं बताऊँ, ये वाला जो यूनिट है गाइज, ये बहुत ईजी है, बस आपको एक बार ये पढ़ना है अच्छे से, ध्यान मन लगा कर आप पढ़ेंगे तो ये ऑब्वियसली आपका ज़रूर हो जाएगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें आप पढ़ लेंगे सब कुछ। इसमें आप एक इंग्लिश अल्फाबेट्स है, इंग्लिश अल्फाबेट्स वही 26 अल्फाबेट जो हमने ABCD पढ़ी है वो है। देन इसमें है सिलेबल्स, सिलेबल वो साउंड होती है जब AEIOU हम वोवल्स बोलते हैं, और जब जो जो साउंड निकलती है उसको हम बोलते हैं सिलेबल्स। इसमें आप इसको डेफिनेशन कोई आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये इसमें एक्सेप्शन है कि वाई भी एक वोवल की तरह साउंड हो सकता है जब वो फ्राई ट्राई, तो इसमें ट्राई आई आ रहा है और आई वोवल होता है, तो ये इसमें हो सकता है एक्सेप्शन। देन हमारे पास इसमें हमको एग्जाम्पल दे रखे हैं गाइज, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड को हम कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको वो डिवाइड करना आना चाहिए। जैसे केक, केक आपको बोलने से पता चल जाए कि कौन से कितने हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉपरेट, तो हमें पता चल रहा है कि कॉपरेट, तो ये तीर उसमें डिवाइड हो रहा है। ऐसे आप एक बार आप समझ लेंगे इनमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसके बाद इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोनीम्स, ये क्या होता है, जो हम एक वर्ड बोलते हैं उसकी जितनी भी हमें साउंड्स आती हैं, जो जो उसकी साउंड्स आती है उन साउंड्स को बोलते हैं फोनीम्स। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है वाटर, वाटर में हमें कितनी साउंड आती है, वॉ अ ट र वॉ अ टर वाटर, तो इसमें ये इसके फोनीम्स हैं। मैं और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। देन नेक्स्ट है हमारे द इंटरनेशनल फिनोटिक अल्फाबेट, इसमें हमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये जो फिनोटिक जो हमारे पास साउंड्स है ये किसने डिज़ाइन करिए इंटरनेशनल फिनोटिक एसोसिएशन। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अलग अलग वर्ड को अलग अलग तरीके से हर कोई प्रोनाउंस करता है, तो इसका जो एक पर्टिकुलर वे है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो कि होती है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो एक एक्सेंट ऑफ इंग्लिश होता है जिसपे ये सब कुछ बेस्ड होता है, जो एकदम करेक्ट इंग्लिश होती है उसे हम BBC इंग्लिश या क्वीन इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश भी कहते हैं। तो इसके बेसिस पे ये सारे जो भी हमने पढ़े थे अभी फोनीम्स ये सब बने हुए हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि किस तरह से बी की ब साउंड निकलती है, देन बेबी होता है, डी की साउंड निकलती है डॉग होता है। इसमें बस आपको रीड करना है, ज़्यादा आपको इसमें वो नहीं करना है, बस आप इसको रीड कर लेंगे। देन इसमें आपको वोवल्स दे रखेंगे, इनकी कैसे साउंड निकलती है, ए ई आई ओ वी। तो गाइज ये हमको एग्जाम में नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा, आप इसको बस एक बार रीड कर लें ताकि आपको बस नॉलेज मिल जाए।
देन हमारे पास है द 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश। जब मैंने देखा ना, मेरे को लगा यार ये क्या बच्चों वाला दे रखा है, बट ये बच्चों वाला नहीं है गाइस। इसमें हमें क्या बताया हुआ है, ये शॉर्ट वोवल्स हैं, ये लॉन्ग वोवल्स हैं, मतलब ए ई आई ओ और ए आई ओ। देन कॉन्सोनेंट्स हैं जो वोवल्स नहीं होते। देन आर कंट्रोल्ड वोवल्स होते हैं जिनमें आर आता है। देन डाइग्राफ्स होते हैं जिनमें आर नहीं होता। सी एच जिनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं इनको, इसको हम श बोलेंगे, इसको हम श बोलेंगे, इसको हम द बोलेंगे, इसको हम द्र बोलेंगे। तो ये अलग अलग इनके वर्ड्स होते हैं, यहाँ पढ़ लेंगे। देन हमारे पास है द फाइव शॉर्ट वोवल साउंड। शॉर्ट वोवल साउंड, इसमें हमारी जो वोवल की साउंड है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, लाइक जल्दी से नहीं होता है, एंड एज आफ्टर। तो इसमें जो आ है ये जल्दी से हमारा कवर हो जाता है, पेन हैंड। तो ये आप देख लीजिए। इस तरह हमारे पास है द सिक्स लॉन्ग वोवल साउंड, इसमें हमारी जो साउंड है वो बड़ी बनती है, मेक टेक बीट फीट टाई लाई। इसमें आपको सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन हमारे पास है द आर कंट्रोल्ड वोवल्स, जिसमें हमको आर का यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं, इज अ वोवल हुज साउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर दैट कम्स बिफोर इट। मतलब जो आर पहले आता है, लाइक आर अर, लाइक बार्क डार्क हर बर्ड। तो इसमें हमारा जो लास्ट वर्ड है उससे पहले आर आ रहा है, उसमें बहुत आर का बहुत यूज है। अगर हम आर हटा देते हैं तो बाक इस वो एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। तो बाकी है आर कंट्रोल्ड वर्ड्स। देन हमारे पास है द 18 कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, जो वोवल्स नहीं होते, मतलब जो वोवल्स होते हैं वो वोवल्स और जो बचे हुए होते हैं वो कंसोनेंट साउंड्स। अब इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि सी क्यू और एक्स ये यूनिक फोनीम्स नहीं होते, क्योंकि कभी कभी सी को हम क्या पढ़ते हैं, क्रस्ट क्रंच, लेकिन कभी कभी सी को हम क्या पढ़ते हैं, सीरियल सिटी। तो क और स तो ये यूनिक नहीं आ रहा है, इसमें दो आ रहे हैं तो ये हम उसको यूनिक नहीं बोलेंगे। अब जो क्यू है वो सिर्फ क्यू में नहीं आता, वो के वाले वर्ड्स में भी आ जाता है। लाइक हम पढ़ेंगे के डब्ल्यू है बैकवर्ड क्वांजा, तो इसमें हमें क्यू का यूज हो रहा है। देन हमारे पास एक्स है, एक्स की साउंड कब आती है, जब के एस हो, लाइक किक्स, तो इसमें एक्स की साउंड आ रही है, तो ये इसलिए हमारे यूनिक वर्ड्स नहीं है। देन इसमें बताया हुआ है बेड बैड कैट किक। तो किस तरह से एक ही साउंड, एक ही वर्ड का, एक ही कॉन्सोनेंट का हमारे अलग अलग साउंड निकल रही है। लिड की साउंड लव, लिड लव, मॉप मैथ, तो इसमें साउंड जो है वो अलग निकल रही है। ब्लेंड्स क्या होता है, जब टू कॉन्सोनेंट वर्ड्स, मतलब दो कॉन्सोनेंट वर्ड्स जब मिलते हैं तो हमारी एक साउंड बनती है जो बहुत मिनिमल होती है, बट वो सुनाई देती है, उसको कहते हैं ब्लेंड्स। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, क्या है, ब्लू ब्लो। तो हमको ब्लू सुनाई दे रहा है बट बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, ब्लू ब्लो, क्लैप क्लोज, फ्लाई फ्लिप। सेवन डायग्राफ साउंड्स, तो सेवन डायग्राफ साउंड्स होते हैं जब टू कॉन्सोनेंट मिलता है और एक यूनिक साउंड बनाता है, उसको कहते हैं डायग्राफ। जैसे कि हम देख लिए सी और एच मिलके च बना रहे हैं, चिन आउच। एस और एच मिलके शिप बना रहे हैं। अगर ये, अगर टी को हम सिंपल यूज करते तो ट टैट ये होता है, उसके साथ एच मिल गया तो वो दिस हो गया, इसको बोलते हैं डायग्राफ साउंड। देन हमारे पास डायग्राफ साउंड कौन सी, जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड्स मिलते थे। अब डिफथोंग्स एंड अदर स्पेशल वर्ड्स कौन सी, जब दो वोवल्स मिलते हैं। ओ आई वोवल है ऑयल, ओ डब्ल्यू आउल आउच। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना जो प्ले, जो उसकी साउंड आ रही है लास्ट में, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये शो करते हैं, मतलब लास्ट का वर्ड। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, फाइनल साउंड नॉट द फाइनल लेटर। मतलब जो ये हमको बता रहा है ये फाइनल साउंड्स होंगी, फाइनल लेटर नहीं होगा। एग्जाम्पल द वर्ब फिक्स। अब जो इसमें जो हमें साउंड आई वो फिक्स एस की आई, लेकिन जो इसका लास्ट का लेटर है वो एक्स है। तो इसमें आपको कुछ रूल्स बताए हुए हैं, डी अराइव्ड लिव्ड इंजॉयड प्लेड। टी बताया हुआ है, टी आफ्टर द साउंड्स पी के, लाइक वर्कड। हम ऐसे नहीं बोलते हैव यू डन योर वर्क, तो इसमें टी साउंड हमें थोड़ा सा सुनाई देता है। वॉच्ड स्टॉप्ड टी इसमें आ रहा है, तो ये है रूल नंबर टू। ये मतलब रूल ऐसे कोई वो बहुत बड़े नहीं है, बट आप इनको एक बार पढ़ लें। आई डी डिसाइडेड स्टार्टेड वॉन्टेड नीडेड। इसमें आपको दिया हुआ है कि कैसे इनको प्रोनाउंस करना है। इसमें लिखा हुआ है स्पीक लाउडली, मतलब जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको तेज तेज बोल के इनको रीड करना है, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी हो जाए। स्टार्ट्स पिक्स, इसमें एस आया लेकिन हम पढ़ेंगे रिमेम्बर्स, जेड आ रहा है गार्डन्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे वॉचेस इज,
लेकिन वो है ई एस, लेकिन हमें साउंड आ रही है वॉच इज, बस इज। वैसे इसमें दिया हुआ है कि एस अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी हमको साउंड हो सकता है। देन गाइज आपको यहाँ पे ये सारी इसकी वो दे रखी है चेक योर प्रोग्रेस, ये आप कर लेंगे तो आपका ये जो साउंड आपकी इसमें आ रही है ये आपकी हो जाएंगी। आप ये जरूर कर लें प्लीज, चेक योर प्रोग्रेस, इसमें सब दिया हुआ है। देखिए मैंने भी करा हुआ है, एक्टिविटी दे रखी है और ये पढ़ने में बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग सी है, तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ने। आई टेक इट यू ऑलरेडी नो ऑफ टफ बो एंड कफ एंड टो, अदर्स में स्टम्बल बट नॉट यू, ऑन हिकफ थ्रू लाफ एंड थ्रू एंड कोर्क एंड वर्क एंड कार्ड एंड वॉट एंड फॉन्ट एंड फ्रंट एंड वर्ड एंड स्वॉट, वेल डन एंड नाउ यू विश परहैप्स टू लर्न ऑफ लेस फेमिलियर ट्रैप्स। एक पोयम दे रखी है आपको ये पढ़ने ना, उसके बाद आपको यहाँ पे वोकैबलरी दे रखी है, मतलब जो इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको उनका मीनिंग नहीं समझ आया होगा वहाँ पे उसके मीनिंग्स भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे रीड कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारी ये यूनिट खत्म होती है, जो उसके आंसर्स हैं, जो चेक योर प्रोग्रेस थी उसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप उनको बिना आंसर्स करें पहले आप देख लेंगे, फिर आपको वो क्रॉस चेक करना है। देन हमारे पास है प्रोनाउंसिंग करेक्टली टू, इसमें हमें क्या है स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच एंड वॉइस ट्रेनिंग। तो हम इंट्रोडक्शन आप प्लीज पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसा सच डेफिनेशन नहीं है, बस जो हमें पढ़ना है रिदम स्ट्रेस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। इसमें एक स्ट्रेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक आप इसमें एक सेंटेंस पढ़ना मेरे साथ, आई लुक्ड इन द कार बट आई डिडेंट सी माई कीज, ये मैंने बोल दिया नॉर्मल। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेस टाल के बोलते हैं तो आई लुक्ड इन द कार बट आई डिडेंट सी माई कीज, अब जो मुझे मेन है उन पे मैंने स्ट्रेस डाला है, तो इस यही होता है एक स्ट्रेस। तो इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है 2.2 रिदम। रिदम क्या है, एक मेजर मोशन है, एक हमारी बोलने के लाइक लय बोलते हैं ना, एक बोलने की लय, किस वर्ड पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस करना है, किस वर्ड को हमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है पर्टिकुलरली, उसको रिदम कहते हैं। देन अगर हम एक ही वर्ड को, एक ही पूरे सेंटेंस को एक ही लय में बोलेंगे तो हम रोबोट की तरह साउंड करेंगे। देन इसमें हमें डेफिनेशन दे रखी है, अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड्स वर्ड्स और म्यूजिकल नोट्स दैट इज यूज इन म्यूजिक पोइट्री एंड डांसिंग, उसको हम रिदम कहते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिदम टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। व्हेन वी से स्ट्रेस हियर वी मीन दैट वी एम्फसाइज, मतलब मैंने अब एम्फसाइज एक स्ट्रेस लेकर बोला, एक जोर लगाकर बोला, इसमें स्ट्रेस का मतलब है चीज़ जोर लगाकर बोलना। अब यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, देन यहाँ पे है द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लाइज इन प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो इंग्लिश का एक जो ब्यूटी है वो कैसे होती है, आप उसकी जो प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अगर उसमें प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाएगी तो फिर वो इंग्लिश ही गलत हो जाएगी। तो उसमें जो होता है एक्सेंट होता है, एक बोलते हैं ना ये एक्सेंट इसका बहुत अच्छा है, तो वो एक एक्सेंट होता है, उसी वो जरूर होना चाहिए होता है। देन इसमें लिखा है एक्सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच इंटेलिजिबल। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है करियर और कैरियर। अब इसमें देखिए अगर हम करियर और दोनों को करियर हम पढ़ लेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, अब हम उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कौन सा करियर है और कौन सा कैरियर है। मैं आपको बोलूँगी करियर और उसको भी करियर बोल दूंगी। करियर होता है हमारा, जो हमारा करियर है जो हम पढ़ाई करते हैं, और कैरियर होता है एक कैरियर मतलब एक वे, होता हुआ है कि इनमें डिफ्रेंशिएशन होती है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की अलग अलग मतलब होता है। देन इसमें आपका, तो इसमें हमारे दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस होता है जब हमारे पास ऊपर ऑफोस्ट्रेस दे रखा होता है, जब हमको ऐसे लिखते हैं ना कीर्तिज, तो वो ऐसे होता है, तो वो प्राइमरी स्ट्रेस होते हैं। हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस होता है मतलब दो प्रोमिनेंट स्ट्रेस में से जो सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेस करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसके ऊपर अब हमारा पूरा टॉपिक आ चुका है स्ट्रेस, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस इज सेइंग अ सिलेबल अ पार्ट ऑफ अ वर्ड मोर स्ट्रॉन्गली एंड कैन बी वर्ड लेवल, उसको हम जोर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बोलते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दे रखे हैं, स्ट्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंस लेवल वेयर द मीनिंग कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द विच होल वर्ड यू स्ट्रेस, मतलब कि एक सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है कि किस वर्ड पे आप स्ट्रेस डालते हैं। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं आई, अब देखिए ये सारे एक ही सेंटेंस है बट इनमें अलग अलग चीज़ों पे स्ट्रेस दिया हुआ है, तो इसमें मीनिंग अलग हो गए। अब देखिए आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, मतलब मैंने सोचा, किसी और ने नहीं सोचा, आई थॉट कि आपका ब्रदर बस कंडक्टर है। अब नेक्स्ट देखते हैं आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, मतलब मैंने सोचा कि आपका भाई बस कंडक्टर है। देन हमारे पास है आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, मतलब मैंने सोचा कि तुम्हारा भाई बस कंडक्टर है। आप तीनों वर्ड्स में चेंज हो चुका है। देन हम देखते हैं आई थॉट योर ब्रदर वॉज अ बस कंडक्टर, मतलब
वॉज, मतलब वो था, मुझे लगा कि वो था। अब इसमें लगा, मुझे लगा भी था, अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है, मुझे लगा कि वो, तो इसमें आपके मीनिंग अलग हो चुका है। ठीक है, ये हमारा होता है कि स्ट्रेस किस तरह से एक सेंटेंस का मीनिंग अलग कर देता है। अब इसके दो पार्ट हैं, सिलेबल स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस। सिलेबल स्ट्रेस मतलब एक मतलब वर्ड में से किस सिलेबल पे, किस एक या दो लेटर पे आप स्ट्रेस डालते हैं, एंड वर्ड स्ट्रेस। तो देखते हैं सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है। सिलेबल स्ट्रेस पैटर्न्स इन इंग्लिश आर नॉट रेगुलर एज इन सम लैंग्वेजेस, एंड मेमोराइजिंग द रूल्स फॉर सिलेबल स्ट्रेस रिक्वायर्स पेशेंस। मतलब इसमें आपको याद करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, आपको एकदम से ये याद नहीं हो जाएगा। याद मतलब आप एकदम से यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो हम हैप्पी को हम हैप्पी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, लाइक हैप्पी बर्थडे। पी तो हमारा जल्दी से कंप्लीट हो गया, हैप्पी पे हमारा स्ट्रेस आया है, तो इसको हम कहते हैं सिलेबल स्ट्रेस, जो कि हमारा किसी एक लेटर पे पड़ रहा है। ठीक है, पॉइंट्स दिया फर्स्ट में कि एक रेगुलर इवेंट्स इवेंटली स्पेस में, मतलब एक ही वर्ड में दो सिलेबल्स आ सकते हैं, और सेकंड में जो ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रेस करने की जिस पे ज़रूरत होगी उसको हम प्रोमिनेंट सिलेबल्स मान पाएंगे। देन आए यहाँ पे ट्राई स्पीकिंग, आई टुक अ बस टू द पार्क। आप किस पे स्ट्रेस लगाएंगे, आई टुक अ बस, मैंने बस ली, मैंने कार नहीं ली, मैंने साइकिल नहीं ली, आई टुक अ बस टू द पार्क, तो मैंने इसमें स्ट्रेस लगाया। अब हम देखते हैं वर्ड स्ट्रेस क्या होता है। वर्ड मतलब आप सेंटेंस में से किसी एक पूरे वर्ड पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। सर्टेन वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड फॉर मैनी डिफरेंट रीजन्स, वो डिफरेंट रीजन्स के लिए स्ट्रेस करे जाते हैं। हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। वट टाइम इज इट, हमको टाइम पूछना है, तो हम, अब हमारा सेंटेंस में पूरे एक वर्ड पे स्ट्रेस चल रहा है। आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। हुआ है कि किस तरह से आप एक वर्ड को स्ट्रेस कर सकते हैं, ये आप रीड कर लीजिए इसमें। देन हमारे पास है नेक्स्ट, देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन रिदम्स इन इंग्लिश। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आप एक वर्ड पे या सिलेबल पे स्ट्रेस डाल सकते हैं। इनोटेशंस क्या होते हैं कि जिस सिलेबल पे या जिस वर्ड पे हमारी पिच चेंज होती है उन्हें कहते हैं इनोटेशंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जॉन स्टिल ऑन हॉलीडे, ये मैंने पूछा पूछा है नॉर्मल वे में, बट अब मैं इनमें इनोटेशंस लगाऊंगी, एक मैं पिच चेंज करूंगी, जॉन स्टिल ऑन हॉलीडे, मैंने इस पर अपनी पिच चेंज करी है, तो इसमें इसको इनोटेशंस बोलते हैं। लाइक मुझे इसका क्वेश्चन चल रहा है, लाइक जॉन स्टिल ऑन हॉलीडे, तो मैंने इसको अलग चेंज करके बोला है। इनोटेशंस एंड स्ट्रेस आर क्लोजली लिंक्ड, क्योंकि हॉलीडे पे मेरा स्ट्रेस भी लगा और मेरी पिच भी चेंज हुई, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड है। इनोटेशंस क्या है कि हम कब कहाँ पे कैसी चीज़ बोलते हैं। लाइक मैंने बोला ना हॉलीडे, तो मैंने उसको एक अलग पिच में बोला, तो हमने कब बोला, मैं उसको पहले ही बोल देती अगर वो, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। नोट दिया हुआ है कि कोई ये रूल्स नहीं है कि हमें फॉलो करने ही करने हैं, ये बस एक गाइडलाइंस हैं जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। यहाँ पे है फर्स्ट फॉलोइंग इनोटेशंस, ये मोस्टली कहाँ यूज होती है, जब हम किसी को कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कन्फर्मेटरी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कन्फर्म करते हैं, और एक्सप्लेनेशन मतलब एक दावा करते हैं। लाइक फर्स्ट है स्टेटमेंट, जैसे नाइस टू मीट यू, हमने कल हमने इसकी पिच चेंज करी, आई बी बैक इन अ मिनट। कमांड्स का एग्जाम्पल है राइट योर नेम हेयर, शो मी वट यू रिटर्न, लीव इन ऑन द डेस्क। तो हमने जो हमें काम करवाना है कमांड देके, ऑर्डर देके, वहां पे हमने थोड़ी सी अपनी पिच, थोड़ी सी अपनी आवाज तेज कर ली। व्हाट के क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, मैंने फ्रॉम पे अपनी पिच चेंज कर ली। वेयर डू यू वर्क, आपको ऐसे एग्जांपल से रखे हैं, आप ये पढ़ लेंगे। अब राइजिंग इनोटेशंस, राइजिंग में मतलब जहां पे मेरे को अपनी पिच तेज करनी है। डू यू लाइक योर न्यू टीचर, हैव यू फिनिश ऑलरेडी, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, डू यू हैव एनी मैगजीन्स। हम कभी कभी दोनों ही यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं राइज एंड फॉल, और फॉल और राइज इनोटेशंस। राइज फॉल में देखिए, आर यू हैविंग सूप और सलाद, सूप और सलाद, इज जॉन लिविंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे। गाइस आपको ये सिर्फ सेंटेंस पढ़ के एक बार में नहीं आ जाएगा, अगर आप अपने डेली लाइफ में इनका यूज करेंगे, आप किसी स्ट्रेस करेंगे, तो आपको थोड़े दिन में आदत पड़ जाती है। इसमें भी वही लिखा है कि ये आपको जल्दी से नहीं आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। दिया हुआ है कि प्लीज रीड द स्टेटमेंट्स लाउडली। अब इसमें आपको लाउडली सेंटेंस, सारे जिसमें जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है। ओके, देन आप ये सारे सेंटेंस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, ये सारे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, सारे हैं, मैंने भी सारे पढ़ लिए हैं वैसे,
मैं पढ़ती हूँ. इज शी अ डॉक्टर, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज. तो ऐसे आप इसको पढ़ लेंगे. सारे इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं. हमारे पास 2.6 इम्प्रूव योर इंग्लिश रिदम विथ 3 प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज. इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है, ये आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज है. इसमें हमें प्रैक्टिस के लिए हमें दे रखा है, इसमें एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे. इको एक्टिविटी. लेट्स हैव लंच नाउ. इट्स माई हिज माई अंकल. आई सेट अंडर. तो आप ये पढ़ लेंगे. ये सब इसमें आपको रीड करना है. ओके, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस आपको रीड करना है. लेट्स सम अप आ गया. देन हमारे पास लेस सम अप है.